नमस्कार, मैं वैदिक कमांडर संतोष शर्मा, वाइट लोटस सिक्योरिटी चैनल में आपका स्वागत है। मेरी जो पुस्तक है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इसमें से हम चर्चा कर रहे हैं नक्षत्रों के बारे में। आज हम बात करेंगे धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में। धनिष्ठा नक्षत्र जो है इज रूल बाय मार्स, मंगल इसके ऊपर राज करता है, तो उसके स्वभाव भी मार्स के अनुकूल होंगे। आप जानते हैं कि मार्स या मंगल जो होता है वो गिव्स लीडरशिप क्वालिटी, फियरलेसनेस, ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ, बट दिस मार्स इज टू मच इन यू, देन यू बिकम वेरी एग्रेसिव आल्सो। तो हम जानते हैं कि धनिष्ठा नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। दिस काइंड ऑफ पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी स्पिरिचुअल, मतलब उनका जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस वेरी हाई ऑर्डर। और स्पिरिचुअल का मतलब ये है कि दे आर नॉट डॉगमेटिक पीपल, मतलब रिलीजियस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि स्पिरिचुअल पीपल, मतलब सच्चाई, सत्य, ट्रूथ, इस चीजों के बारे में बात करना, एथिक्स के बारे में बातें करना। तो मोर ऑफ बिहेवियरल पैटर्न पैटर्न्स आर स्पिरिचुअल फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल। और ये लोग रिबेल नहीं होते हैं, यदि कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हो जाता है तो ये रिबेल नहीं करते हैं, मतलब इस प्रकार के भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, लगे कि वही झगड़ा करने वाला है। इवन इफ देयर इज डिसएग्रीमेंट दे विल नॉट डू इट। जबकि मैंने पहले बताया था कि जो मार्स होता है, मंगल होता है, उसका स्वभाव थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है, लेकिन जो धनिष्ठा नक्षत्र के होते हैं इसके मार्स इस प्रकार से काम करता है कि वो झगड़ा नहीं करते हैं। और ये यदि डिसएग्रीमेंट कहीं आपको हो जाता है तो क्या करेंगे, उस समय कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन बाद में लौट के आएंगे और अपना व्यू पॉइंट को एक्सप्रेस करते हैं। सो दिस ओके। और क्योंकि ये चीजों को क्विकली रिएक्ट नहीं करते हैं, दे आर नॉट रिएक्टिव काइंड ऑफ पीपल, तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि दे अप्लाई द माइंड इंटेलिजेंटली, वो चीज़ों को ठीक से सोचते हैं। तो जैसे साइंटिस्ट होते हैं, ये नक्षत्र के होंगे तो दे विल डू वेरी वेल। लॉयर्स, वकील जो होंगे इस नक्षत्र के, दे ऑल्सो डू वेरी वेल। एंड हिस्टोरियंस, अलग अलग चीज़ों के बारे में जानना, अतीत के बारे में लिखना, पढ़ना, क्रोनोलॉजिकली उसको निबद्ध करना, इन चीज़ों में ये सब माहिर होते हैं। और अपनी जिंदगी की राह वो खुद चुनते हैं, दे मेक देयर ओन पाथ इन द लाइफ, सो दे आर नॉट द फॉलोअर्स, दे आर लीडर्स। हम बात करेंगे जो फीमेल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं धनिष्ठा नक्षत्र, उनके बारे में। दे आर वेरी सॉफ्ट हार्ट एंड दे आर वेरी लविंग काइंड ऑफ पीपल, एंड अपने स्वार्थ को वो किसी भी तरीके से सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाती हैं जब भी कोई ऐसा स्थिति आती है कि जहां परिवार के लिए कोई सेक्रीफाइस करना हो। दैट मीन्स दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू सेव देयर फैमिली, तो प्रोटेक्टिव नेचर की होती हैं। एंड they are very good in teaching and doing research work, and if they want to write books they can be good writers also. If they get into acting यदि करना चाहते हैं, पर्दे पे आना चाहते हैं, टीवी में आना चाहती हैं, तो भी अच्छा करेंगे। और ये बहुत नॉलेजेबल होती हैं, लर्नर होती हैं, इन्हें पढ़ने का बड़ा शौक होता है, साथ साथ में ये घर के काम में माहिर होती है। हाउस होल्ड मैनेजमेंट इज वेरी गुड। और प्रॉब्लम खाली ये है कि अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देती नहीं है, तो करके बीमार पड़ते रहती हैं क्योंकि अपने की परवाह नहीं करती हैं, लोगों की परवाह ज्यादा करती हैं। दे आर वेरी रोमांटिक इन द लाइफ एंड दे आर वेरी लविंग। ये तो बहुत नक्षत्र के बारे में। और कुछ अधिक जानकारी चाहते हैं, जिंदगी में आपको परेशानी है, कुछ एस्ट्रोलॉजी का सलाह लेना चाहते हैं या रुद्राक्ष से जम्पस्टोन खरीदना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट को लॉग इन करें www.whitelotussecurity.com। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को लॉग इन करें www.whitelotussecurity.com। संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं। वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं वैदिक कमांडर संतोष शर्मा, वाइल्ड स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें।